जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर से बताइएगा। और अभी फ़िलहाल आप मेरे को देख ही सकते हो कि मैं फ़िलहाल कहाँ पे हूँ। ये कैलाश गिरी है और मैं कभी सोचा नहीं था कि इस टाइप का भी जर्नी करूँगा। तो एक छोटा सा जर्नी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, अभी भाई साहब से मैं टिकट ले रहा हूँ टिकट काउंटर में, और जर्नी अपना स्टार्ट करते हैं। आज एक खूबसूरत से रेल सफ़र में छोटी सी जर्नी है लेकिन मज़ा आएगा। तो अपना टिकट ले लेते हैं और देख सकते हो टिकट कैसा रहता है इसमें। चलिए चलते हैं अपनी ट्रेन के पास, और सामने लगी हुई है हमारी ट्रेन, क्योंकि दिखने में आप देख सकते हो कैसे टाइप की है, बहुत ही खूबसूरत ट्रेन है। और इसमें स्पेशल चीज़ ये है कि ये नैरो गेज की ट्रेन थी दोस्तों, तो इसलिए मैं आपके साथ ये जर्नी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी रेलवे ऑफ इंडिया आदित्य भाई के साथ। चलिए अंदर चलते हैं, और अब सीधा मैं आपको थोड़ा ट्रेन का इंटीरियर दिखा दूँ। इसमें इस टाइप का 2x2 का रहता है, और ये इसमें टिकट चेकर टीटी साहब देख सकते हो टिकट चेक कर दिए। तो अभी फ़िलहाल उतर गए हैं और हम लोग अपनी जर्नी के लिए फुल एक्साइटेड हैं, और ट्रेन का डिपार्चर भी अब होने को है। और ये डोर हो गया लॉक, जिसको कि अंदर से लॉक किया जा रहा है। और मैं थोड़ा फिर भी अपने सेफ्टी के लिए मैं भी चेक कर लेता हूँ, देखिए इस टाइप से। और ये हमारी ट्रेन अब डिपार्ट कर रही है कैलाशगिरी के इस छोटे से रेलवे स्टेशन को, और फिलहाल मिलते हैं आगे। डिपार्चर देखिए आप ट्रेन का। वैसे अगर दोस्तों आप विशाखापट्टनम विज़िट करते हो, तो विशाखापट्टनम में जो कैलाशगिरी माउंटेन है इसके ऊपर ज़रूर से जाइएगा। और इसी के ऊपर फ़िलहाल अभी अपन है, जहाँ पे आप देख सकते हो ये टॉय ट्रेन चल रही है। वैसे एक टॉय ट्रेन है, और डिपार्चर के बाद ही भाई लोग हम लोग को ऐसे हाय बाय कर रहे थे, तो देख के बहुत अच्छा लगा। और अभी आप ऐसा सीन देखने जा रहे हो जो कि बहुत ही कमाल का है। तो बाहर देखिए दोस्तों, कैलाशगिरी माउंटेन के ऊपर से आपको क्या ब्यूटी देखने को मिलता है विशाखापट्टनम सिटी का। ये बीच है और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं अंदर में बीच व्यू को। और ये छोटा सा टेबल फैन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन थोड़ा गंदा हो गया था। और साइड व्यू में देखा जाए तो इधर से अब हमारी ट्रेन डिपार्ट ले ली है, और इन छोटी छोटी पत्तियों को मतलब पौधों को अपनी ट्रेन क्रॉस करते हुए बहुत ही स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ रही थी। और इसको सिर्फ एक भैया चला रहे थे, और इसमें तो इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, बस एक भैया ही इसको चला रहे थे। और इसके पूरे वन राउंड ट्रिप के दौरान बीच में दो तीन स्टेशन स्किप भी किए थे, जैसे कि अभी बाजू में देखो एक स्टेशन का स्किप करेंगे। यहाँ पे ट्रेन रुकती नहीं है, बस ये एक दिखाने का है ऐसे कि रियल ट्रेन टाइप का फील है। बाकी बहुत ही खूबसूरत, सब अपना इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ के ऊपर में। ये एक टाइप का सीनिक प्लेस है जहाँ पे बहुत लोग विज़िट करते हैं, तो आप भी ज़रूर से कीजिएगा। कैलाशगिरी बोलते हैं इसको। आपको विशाखापट्टनम के बस कॉम्प्लेक्स से आराम से यहाँ जाने के लिए बसेस मिल जाएंगी। हमारे देश का झंडा भी इसमें चिपकाया गया, जो कि देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। और फूल पत्तियों को क्रॉस करती हुई हमारी छोटी सी टॉय ट्रेन, जिसका कि मैक्सिमम स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर का ही था इस पूरे जर्नी के दौरान। और बाकी तो ट्रेन का इंजन बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि पूरी पहाड़ के ऊपर चल रही थी। ये छोटा सा एक डीजल इंजन लगा हुआ था इसके अंदर, जो कि बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था भाई सही में चढ़ने के लिए। और भगवान शिव और माता पार्वती का फ़ोटो भी लगा था, जो कि बहुत मस्त था साथ में। अभी धीरे धीरे इस ब्यूटी को हम इंजॉय करते हुए, बीच में एक लेवल क्रॉसिंग टाइप का भी लगाई है, लेकिन इसमें बात यह कि कोई रेलवे के क्रॉसिंग गेट्स नहीं होते, बस एक रोड में ये ट्रेन हमारी ऐसे करों पे मस्त मुड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। इसी के साथ ये इसका सेकंड एक स्टेशन स्किप था, इसके बाद फिर डायरेक्ट इसका मेन हॉल्ट आएगा, जहाँ पर ट्रेन फिर रुकेगी और सारे पैसेंजर्स डिबोर्ड होंगे। वैसे तो ये सेकेंड हॉल्ट है अभी बाहर का, लेकिन यहाँ से अब मैं आपको सीन दिखाता हूँ विशाखापट्टनम सिटी का, और आप बाहर देखिए और कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि ये जर्नी आपको कैसा लग रहा है। पूरी विशाखापट्टनम सिटी दिखती है माउंटेन के ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से, और जो बीच है मानो कि ये आगे जाके समंदर आसमान दोनों मिल गए हैं, ऐसा ही लगता है ऊपर से देखने में।
बहुत सुंदर है दोस्तों, बहुत सुंदर। आप भी एक बार ज़रूर से विज़िट कीजिएगा कैलाशगिरी, फुल रिकमेंडेशन है, ज़रूर से विज़िट कीजिएगा। अभी आपको देख के लग रहा होगा आसमान है, लेकिन वो आसमान और बादल तो है ही, लेकिन ये नीचे समंदर भी है जो कि पूरा मिल गए हैं, और ये तीसरा स्टेशन इसके पे शायद। पता नहीं ये शायद स्टेशन नहीं है, कुछ और ही है ये, और हमारी ट्रेन जो है, नहीं, ये स्टेशन ही है, तीसरा स्टेशन है जिसके ऊपर स्किप किए। और ये छोटा सा अम्ब्रेला टाइप का देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, जिसपे कि बर्ड्स वगैरह के बने हुए हैं डिज़ाइन। और इसी के साथ हम पहुंचने वाले हैं बस अब अपनी मंजिल के पास, मतलब हमारे स्टेशन जहां हमको उतरना पड़ेगा। तो मन तो नहीं कर रहा था, मन तो कर रहा था एक और राउंड और लगाना चाहिए, लेकिन बस ये एक राउंड लगाता है, एक राउंड के में लगभग ये 15 से 20 मिनट कवर करता है, 15 से 20 मिनट लेती है ट्रेन लगभग 3-4 किलोमीटर ट्रैवल करने में। और ये हम पहुंच चुके हैं अपनी स्टेशन वापस हैं, जहाँ पे हमको अब डिबोर्ड होना पड़ेगा। स्टेशन में आपको खाने पीने की सभी सुविधाएं मिल जाएंगी, साथ में आप थोड़ा सा बाहर जाओगे तो आपको शॉपिंग करने के लिए भी सब मिल जाएगा। और आदित्य भाई कैसा लगा भैया? एकदम मज़ा आ गया भाई। जो इसमें आप नॉन एसी में जाओगे तो 120 का अप्रॉक्स आपको रेट पड़ेगा, लेकिन मज़ा आ जाएगा, वर्थ इट है। बिल्कुल वर्थ इट है। चलो अब आगे का एक बार लोकोमोटिव फिर से दिखा देता हूँ मैं आप लोग को।